नमस्कार। आज की वीडियो में हम इस तरह से एक मल्टी पॉकेट वाला स्लिंग बैग बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये इसकी एक पॉकेट, ये इसकी दूसरी पॉकेट, देखिए इस तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से एक क्वालिटी पीस लिया है, देखिए। इसमें मैंने सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा, रबर सीट, फिर मैन फैब्रिक रख के इस तरह सिलाइयाँ लगा ली है। इसमें इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। लेंथ है इसकी 18.5 इंच, विड्थ है इसकी 9 इंच। अब इसे हम एक साइड रख देते हैं। देखिए दो कपड़े के पीसीज मैंने और कट किए हैं, दोनों सेम साइज के हैं। विड्थ है इनकी 6 इंच और लेंथ है इनकी 9 इंच। अब इसे एक साइड रखेंगे, इसे लेंगे, यहाँ से हम 2 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरह इस निशान को हम इस तरह सीधा खींच लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे, देखिए कट कर लिया हमने। अब ये छोटे वाले पीस को हम इस तरह रख देंगे। अब देखिए मैंने एक चैन ली है, 7 इंच की चैन है ये, और इस तरह से कपड़े के छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। लेंथ है इनकी 1.5 इंच और विड्थ भी इनकी 1.5 इंच है। अब इसे लेंगे, कपड़े को देखिए इस तरह से, इसे इस तरह रखेंगे। दूसरा कपड़ा इसके ऊपर इस तरह रखेंगे बराबर, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसमें। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली इसमें। अब इसे इस तरह पलटेंगे, देखिए इस तरह रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसमें, देखिए इस तरह पलटते हुए हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरह से पलटते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। इस तरफ भी इस तरह कर लिया हमने। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया दोनों साइड से। अब इसे लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इस तरह से इस तरह रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली हमने इसमें। अब इस कपड़े को हम पीछे की तरफ इस तरफ करेंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। अब इस कपड़े को लेंगे, देखिए इसे इस तरह रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इसे भी इस तरह से, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसमें भी हमने यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह पलटेंगे, देखिए इस कपड़े को नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से, और इसमें भी किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए इसमें भी हमने यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब इसे लेंगे, जो हमने सेम साइज़ का एक पीस और कट किया था इस तरह से, देखिए इसकी सीधी साइड इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक सिलाई लगा ली है। देखिए अब इस कपड़े को हम पीछे की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हम ये पीछे वाला बाहर की तरफ निकालेंगे, इससे यहाँ पे हमारी पाइपिंग बन जाएगी। देखिए इस तरह करते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है, यहाँ भी पतली सी पाइपिंग बन गई इसकी। अब हम यहाँ से इस तरह यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह यहाँ तक हमने एक सिलाई लगा ली, देखिए इस तरह से। अब इसे एक साइड रखते हैं, इस पीस को लेंगे, यहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ इस तरह निशान लगाएंगे। निशान को इस तरह सीधा खींच लेंगे इस तरह से। अब इसे लेंगे, इस निशान से इस तरह रखेंगे, और इस तरह रखते हुए यहाँ से इस तरह यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे एक साइड रखते हैं। अब एक कपड़ा और लिया मैंने, विड्थ है इसकी 9 इंच और लेंथ है इसकी 5 इंच। अब देखिए इसको इस तरह 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस सिलाई पर रखेंगे यहाँ से, ताकि सिलाई ढक जाए हमारी, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली हमने। अब इसी तरह इस साइड से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के इसे जोड़ लिया है इस तरह से। अब हम इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेंटर कर लेंगे इसका इस तरह से। इस तरह रखते हुए यहाँ से हम 1.5 इंच में निशान लगाएंगे, इस तरह 1.5 इंच में निशान लगा लिया। इस तरह ऊपर की साइड भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। इसे इस तरह बॉक्स बना लेंगे, इसी तरह इस साइड भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे।
इसी तरह यहाँ से भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे, देखिए इसी तरह से दोनों तरफ हमने बॉक्स बना लिए। अब इन बॉक्सेस को कट कर लेंगे, इसे भी और इसे भी इस तरह से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लिया हमने। अब इसी तरह 1 इंच भी निशान लगाएंगे नीचे की साइड, ऊपर से भी इस साइड से 1 इंच भी निशान लगाएंगे। इस तरह 1 बाय 1 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। अब इस तरह यहाँ से भी 1 इंच भी निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 1 इंच भी निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी 1 बाय 1 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अब इन्हें भी कट कर लेंगे, इस तरह बराबर रखते हुए कट कर लेंगे। देखिए इस ऊपर से भी कट कर लिया, इस तरह हमने कट कर लिया, देखिए इस तरह से। अब देखिए इसी साइज़ की मैंने एक चैन ली है, इस तरह से चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसमें देखिए इस तरह से चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को, ये जो वाला कपड़ा है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ, इस तरह यहाँ से यहाँ तक एक किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह हमने यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे की सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह करेंगे, चैन को लेंगे इस तरह और इस तरह रखते हुए इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक इसमें भी एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसमें भी हमने यहाँ से यहाँ तक किनारे की सिलाई लगा के चैन जोड़ दी है। अब चैन को थोड़ा खोल लेंगे इस तरह, कपड़े को इस तरह पलटते हुए पूरे में यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे लगाई थी इस तरह से पलटते हुए इस तरह से पूरे में किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसे भी यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे की सिलाई लगा ली हमने इसमें। अब इसे फिर से उल्टा कर लेंगे अंदर की तरफ, देखिए इस तरह उल्टा रखते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे और इस तरह यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, इस साइड भी और इस साइड भी। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग से नेजी इसको कवर कर सकते हैं, यहाँ पे कपड़े की पट्टी लगा के इसे कवर कर सकते हैं दोनों साइडों से। देखिए अब हम इन्हें कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसे इस तरह पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसे भी इस तरह पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह कॉर्नर पकड़ते हुए हमने एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा ली और इसी तरह एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा ली, देखिए इस तरह से। अब इसे एक साइड रखते हैं। अब देखिए कपड़े की एक लंबी सी पट्टी मैंने और कट की है, विड्थ है इसकी 3 इंच और लेंथ है इसकी इस तरह से 47 इंच, लेंथ इसकी 47 इंच है। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर इस तरह से यहाँ से इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी लंबाई में फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी बैग की स्ट्रिप तैयार हो गई है, स्ट्रिप की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। अब इसे एक साइड रखते हैं, इसे लेंगे सबसे पहले जिप, थोड़ा हमने एक्स्ट्रा ली थी इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा जिप को इस तरह से, इस साइड से भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा जिप कट कर ली है। अब इसे इस तरह चैन को खोलेंगे, अब देखिए इसे भी कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से, इस तरह रखेंगे। देखिए यहाँ से चैन हमने थोड़ा खोल लिया, अब इस स्ट्रिप को हम यहाँ से अंदर डालेंगे, बस एक सिरा बाहर रखेंगे इसका। पूरी स्ट्रिप हमने इसके अंदर डाल दिया, बस एक सिरा पकड़ा है। देखिए स्ट्रिप को इस तरह रखेंगे, सिलाई के बिल्कुल सेंटर में इस तरह, कॉर्नर को इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, इसी में हमारी स्ट्रिप भी जुड़ी जाएगी। देखिए इस तरह से स्ट्रिप को इस तरह अंदर रखते हुए बीच में हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के कॉर्नर को जोड़ दिया है। अब इस तरह थोड़ा इसको खोलेंगे चैन को, देखिए इस तरह चैन को हमने यहाँ से खोल लिया है। अब स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे, इसे सीधा करेंगे इस तरह से, इसे सीधा पकड़ेंगे इस तरह से, इस तरह और इसके इसका वाला सिरा इस तरह सीधा करते हुए इसे यहाँ पे रखेंगे, इस तरह रखेंगे इसे बीच में रखते हुए इस तरह सेंटर में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा कर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसमें भी सिलाई लगा दी हमने। अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे इस बैग को, देखिए हमने इसे सीधा कर लिया इस तरह, देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसकी एक पॉकेट, इसकी दो पॉकेट, ये देखिए इस तरह हमारा बैग बिल्कुल रेडी है।